नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी हां, इस वक्त की सबसे अहम और पहली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और निगरानी के लिए यहां पर नियम जल्द तय होंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की निगरानी का जो प्रस्ताव है उसे तैयार कर लिया है। दवा कंपनी, थोक विक्रेता, रिटेलर के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी करना होगा। साथ ही साथ दवा बैच नंबर, एक्सपायरी, इसका तमाम ब्यौरा जो है वो आपको पोर्टल पर देना होगा। लेकिन मरीजों की जानकारी जो है उसे यहां पर गुप्त रखा जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री इस पोर्टल की निगरानी यहां पर करेगी और साथ ही साथ पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन दवा बिक्री नहीं हो सकेगी। तो ऑनलाइन दवाओं पर नकेल कसने की तैयारी यहां पर सरकार ने कर ली है। ऑनलाइन बिक्री होगी और निगरानी के जो नियम है वो जल्द यहां पर तय किए जाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश। बिल्कुल, सरकार की ये जो ड्राफ्ट 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 पेपर लाई है सरकार, इसकी मंशा ये है कि देश में जो भी दवाएं बिक रही हैं वो जब दवा फैक्ट्री, कोई दवा की फैक्ट्री से बनकर निकलती है और पेशेंट तक जब तक पहुंचती है, मरीज तक जब तक पहुंचती है, उस पूरी जो चेन है उसको ट्रैक किया जाए। ये सरकार इसलिए कर रही है कि मार्केट में दवाएं असली बिक रही हैं या नकली बिक रही हैं, अगर किसी दवा के बैच में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो अगर एक जगह पे कोई अलर्ट रेज होता है तो वो पूरे सिस्टम में फैल जाए, तो सरकार इस तरीके से मॉनिटर कर पाएगी। डॉक्टर्स क्या दवाएं लिख रहे हैं वो मॉनिटर हो पाएगा। इसके अलावा ये है कि एक तरीके से ये जो सरकार की पॉलिसी है इससे जो ई फार्मेसी है इसको भी एक तरह से मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि इस ड्राफ्ट पॉलिसी में इस तरह का कोई अंतर नहीं किया गया है कि जो ई फार्मेसी वाले बेचेंगे वो अलग नहीं बेच सकते या जो रिटेल वाले स्टोर वाले हैं वो नहीं बेच सकते। इसमें यह होगा कि दवा कंपनी को भी एक सरकार एक पोर्टल बनाएगी, नेशनल लेवल का पोर्टल होगा। इस पोर्टल पर जो दवा कंपनियां, दवा बनाने वाली कंपनियां, उनको भी रजिस्टर कराना होगा, जो स्टॉकिस्ट हैं उनको भी रजिस्टर करना होगा, जो रिटेलर हैं उनको भी रजिस्टर कराना होगा। और जैसा कि जी बिजनेस ने पहले बताया था कि ई फार्मेसी के लिए पूरा ड्राफ्ट क्या है, उस पूरे मॉडल को यहाँ पर लाया जा रहा है। यानी अगर डॉक्टर एक दवाई लिखता है तो वो डॉक्टर की पर्ची लेकर अगर मरीज मेडिकल स्टोर पर जाएगा तो मेडिकल स्टोर का जो व्यक्ति होगा, जो फार्मासिस्ट होगा, वो डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, कितनी दवाएं दे रहा है, कौन से बैच की दवाएं दे रहा है, उस दवा की एक्सपायरी क्या है, ये सारा डिटेल एंटर करेगा। इसी तरह से जो स्टॉकिस्ट होगा वो सारी एंट्री करेगा कि किस बैच की दवा किस उसके नीचे का जो रिटेलर है उस कहाँ पे भेजी गई है। तो यानी पूरी दवा की एक टेबलेट या एक सिरप कहें, एक सिरप की बोतल है, यानी कि पूरी की पूरी जो जानकारी है ब्रजेश वो इस पोर्टल पर यहाँ पर मिल जाएगी। किसे दवाई दी गई है, किस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, इस तरह की पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। मेरे साथ राजीव गुलाटी यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद हैं, एम केमिस्ट के फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, और जाहिर तौर पर अगर इस तरह का सिस्टम जनरेट होता है तो काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ब्रजेश जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें दो बहुत बड़े फायदे हैं और विश्व भर में नकली दवाइयों को रोकने के लिए इसी तरह के प्रयास जो हैं ये कैलिफोर्निया से शुरू हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान ने जो मॉडल बनाया है वो बहुत ही सरल मॉडल है, जो श्री के एल शर्मा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जी हैं उनके नेतृत्व में ये अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली और दूसरी मार्च को, उसमें ये मॉडल श्री ईश्वर रेड्डी जो जॉइंट ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने पहली बार इसको प्रेजेंट किया था और अब ये पोर्टल पे सीडीएसओ के पोर्टल पे डाला गया है जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान जो इंडिया है ये पूरे विश्व से एक लीप फ्रॉग करके आगे बढ़ के एक ऐसा सिंपल और एलिगेंट मॉडल लाने जा रहा है जिससे मुझे लगता है कि विश्व में काफी देश जो हैं इससे प्रभावित होंगे और इसी तरह को इस तरह से जी। तो बहुत ज़्यादा हद तक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आ जाएगी और इस पूरे के पूरे स्टेप का मतलब साफ है कि जो ऑनलाइन यहाँ पर जानकारी होगी वो कैसे दवाई जो है वो केमिस्ट से आपके पास पहुँच रही है या फिर दवा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर ई फार्मेसी के थ्रू यहाँ पर दिया जाएगा। जो ये पोर्टल बनाया जा रहा है उसमें सभी को यहाँ पर रजिस्टर भी करना होगा।